अब इनके बारे में मैं आपसे क्या कहूं, अहमद हुसैन साहब एंड मोहम्मद हुसैन साहब, वन ऑफ द फेमस इंटरनेशनल गजल सिंगर्स हु हेल फ्रॉम द सिटी ऑफ जयपुर राजस्थान. उस्ताद अहमद एंड मोहम्मद हुसैन साहब आर द यूनिक फिनोमिनन इन द वर्ल्ड ऑफ गजल्स, वेरी फेमस एज वी नो फॉर गजल्स एज वेल एज भजन्स एंड इंडियन म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज वेल. दे स्टार्टेड द करियर इन 1958 एज अ क्लासिकल एंड ठुमरी आर्टिस्ट. अब तक कम से कम 50 एल्बम्स आपने तैयार की हैं. सम ऑफ द फेमस एल्बम्स आर ख्वाब बसेरा एंड मेनी ऑफ देम. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू अहमद हुसैन साहब एंड मोहम्मद हुसैन साहब. जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए सब रंग. 2018 लेडीज एंड जेंटलमैन दिल्ली. आप जब तक माइक बैलेंस हो रहा है, बशीर बद्र का एक कता आपके लिए, सभी के हजरात के. कई दिन से तुम्हें देखा नहीं है, कई दिन से तुम्हें देखा नहीं है, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं है. हमेशा जंग में जाने गई हैं, मोहब्बत में कोई ख़तरा नहीं है. ख्वातीनों हजरात, आदाब व नियाज. ये बज़्म फनकारों और कदरदानों की है. जाहिर है दिल्ली एक ऐसा मरकज़ है जहाँ बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े शहनशाह बादशाह, और आज भी उसका मकाम वही है. यहाँ हम गाना नहीं सुना सकते, हाजिरी दे सकते हैं. इस हाजिरी में कोई भी गलती हो तो नज़रअंदाज. क्योंकि मौसिकी एक ऐसा फ़न है, रोज़ाना रियाज करने के बाद अगर मश्क भी हो जाए, कमांड भी आ जाए, तब भी लफ्ज़िश हो सकती है. तो जो लफ्ज़िश है, जो कमी है, वो हमारी अपनी है. जो कुछ भी अच्छा थोड़ा सा है, वो हमारे उस्तादों का है, बुज़ुर्गों का है, आपकी मोहब्बत का है. क्योंकि 50 साल 55 साल गाने के बाद भी गाने से डर लगता है, क्योंकि सालों से कुछ नहीं होता. रियाज से होता है, मोहब्बत से होता है, खुलूस से होता है, सीखने से होता है. एक बार देख लो भाई, ये जलतरंग क्यों बजा रहे हो भाई? बहरहाल हम आपसे बाद में फिर दोबारा गुजारिश करेंगे. यहाँ जब भी आए हैं हमने हाजिरी दी है, हाजिरी देंगे और आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे. वो भाई साहब अभी बता रहे थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया उन्होंने. क्लासिकल और गज़ल में इंग्लिश का अनाउंसमेंट पहली बार सुना हमने. तो एक मज़ाहिया शायर ने इनके लिए लिखा है, निकम्मा हो या बुज़दिल बिल यकीन डिसेंट हो जाए, नज़र तुम डाल दो जिस पर वो लेफ्टिनेंट हो जाए. तुम अपने हुस्न को रोको, मैं अपने हुस्न को पकड़ूं, कहीं ऐसा ना हो दोनों में एक्सीडेंट हो जाए. बहुत खूब माशाल्लाह बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया. ये सिर्फ आपको एक माहौल चेंज करने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए चुटकुला टाइप कह दिया है, लेकिन इसका गाने बजाने या गज़ल से कोई ताल्लुक नहीं है. अभी हमारे दोनों बच्चे अदनान मियाँ और फरीद हसन और उनके भैया महबूब साहब, महबूब, वो सबको महबूब रहे, बहुत नायाब है. माशाल्लाह से ये दुआ है कि एक तो ये जोड़ी बना के चलें, जोड़ी सलामत रहे, और अदनान भी खूब ऊँचाइयाँ छुएँ ये बच्चे लोग. दुआएँ, दुआओं से बहुत बड़ी चीज़ होती है, दुआ से कुछ भी होता है.
जो कुछ नहीं होता वो दुआ से होता है। ये हमारे इकबाल खान साहब जो हैं ये बहुत अच्छे फनकार हैं, लेकिन हमारी इनकी 59-60 दोस्ती है। अब इन्होंने टोपी पहन ली है, हम टोपा पहनते हैं मगर कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं पहन के आए इसलिए आप माफ करें। ये गालिब की दिल्ली है, पहले कलाम मिर्ज़ा गालिब। अब क्योंकि वक्त की किल्लत देखते हुए दो तीन फरमाइशें, क्योंकि वरना ऐसा ना हो कि वो जो उठते थे कभी हमको बिठाने के लिए, आज बैठे हैं वही हमको उठाने के लिए। हम असल में थोड़ा सा बचते हैं इन सब चीज़ों से कि ज़रूरी नहीं आज ही गाना है और सब कुछ गाना है। जितना अल्लाह ताला गवा दे, जितनी हाजिरी हो जाए, कहीं ठीक हो जाए, वो सबसे अच्छा होता है। हाँ सईद भाई, जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनसे इजाज़त तलब करते हैं, छोटों को प्यार देते हुए और आपके प्यार के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। हालांकि देखिए गालिब साहब ने कुछ बहुत ज़्यादा लिखा होगा, तब भी जो पॉपुलर चीज़ें हैं वही ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। हम तो कुछ और भी सुना सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली है और यहाँ गालिब से शुरू करना शायद बेहतर रहेगा। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तुझसे मिलने की जुस्तुजू भी है
तुझसे मिलने की जुस्तुजू भी है, और तू मेरे रूबरू भी है। पहल चाह के दिल जला डालूं, पहल चाह के दिल जला डालूं, फिर ये सोचा के दिल में तू भी है। कभी महक की तरह, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। शुक्रिया। जो आजकल मौसीकी और सुखन यानी शायरी और संगीत पे प्रहार हो रहे हैं, मंजर कशी देखिए, उसके बाद बदल पेशे खिदमत है। कौन समझाए, कौन समझाए बेशऊरों को, अक्स पानी में तर नहीं होता, दर्द बढ़कर दवा तो होता है, ऐब बढ़कर हुनर नहीं होता। Yeah.
कहते हो तुम के तू क्या है। जला है जी
ये जो भी उनके माँ बाप बैठे प्लीज या तो उनको खामोश करें या बाहर ले जाए इफ यू डोंट माइंड दिस इज आवर इंसल्ट आवर म्यूजिक स्टैंड इंसल्ट जला है जिस to
मैं हवा हूँ, मौसम आएंगे जाएंगे, और एक हमारे ऐसनम। उसके बाद जाहिर है इतना टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि जो बेगम के साथ आए हैं वो तो बेगम बैठे हैं, बाकी तो नमादम है। लहजा फरमाए, अमीर खंती साहब की गज़ल है। इस गज़ल की कंपोजिशन 1978 में हुई थी, जब सारा ही एमपी था, छत्तीसगढ़ नहीं था। उस वक्त के बाद से आज तक शायद ही ऐसी कोई महफिल रही होगी जो इसके बगैर ख़त्म हुई हो, और अल्लाह के करम के बाद, माँ बाप की, उस्तादों की दुआओं के बाद, आपके प्यार के साथ हमारी एक छोटी सी पहचान बनी। तो कौन आ
Amen.
कर दे जो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। मेरी मैयत पे कोई रो कि हम कोई इम्प्रेशन या आप पर असर नहीं डाले, लेकिन हम बड़े खुशकिस्मत हैं। सन 60 में आमिर खान साहब की भतीजी की शादी थी, उस्ताद अपने घर में लुंगी में बैठे थे, हम उन्होंने हमें अपनी जांघों में बिठाया और यकीन मानिए बड़ी दुआएं दी। इसी तरह बड़े गुलाम अली खान साहब ने हैदराबाद में, और उससे ज़्यादा खुशी की बात और भी है कि सारी जगह से ये जो इनाम मिला है वो सिर्फ और सिर्फ दुआओं का खेल है। मुलाजा फरमाए, मेरी मैयत पे कोई रोया है, एक नाज़नी की मैयत और दुश्मनों के कांधे, एक नाज़नी की मैयत और दुश्मनों के कांधे, कांटों पे जा रहा है एक फूल का जनाजा। मेरी मैयत पे कोई रोया है, मदद से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लिंक करने की कोशिश की है। मेरी मैयत में कोई रोया है, बुलाए तो जैसा आप जानते हैं मकान, मकान को कहते हैं, मकान में रहने वाला मक्खी, खुद गर्द सेल्फिश। कितने खुद गर्द हैं ये ऊंचे मकानों के मक्खी, कितने खुद गर्द हैं ये ऊंचे मकानों के मक्खी। अहले फुटपाथ का सूरज भी छिपा लेते हैं। मेरी मैयत पे एक नाज़नी की मैयत, इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। मेरी मैयत में कोई रोया है, मेरी मैयत में कोई रोया है, इसलिए जल गया कफन। सनम और एक मौसम आएंगे जाएंगे, सनम 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 बाद में, पहले मौसम हो जाए तो सारे बच्चों के जन्म चले जाएंगे। बुला दो
देखिए ये इससे आजाद को बाधा ले लो, ये दोबारा बुलाया सर, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो। हमारी अर्थात आपका लिखा ये नगमा जाएंगे यूं ही गा
हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। पहला मौसम है जो चल रहा है, जाड़ों की बहार जब आए, धूप आंगन में लहराए, गुल दो पहरी मुस्काए, शाम आके चरा मक्कासी की है। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते, जाड़ों बाहर जब आएगी धूप आंगन में लहराएगी, गुल तो पैरी मुस्काएगी, शाम के चराग जलाएगी, जब रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे हो आएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, 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 आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। दूसरा मौसम जब कर दिल आएंगे, जब गर्मी के दिन आएंगे,
सुन तो लो क्या तुम्हारी जिंदगी से भी कोई ताल्लुक रखता है? हाँ साहब, बाकी सब आपको गाना पड़ेगा। एक बंद बस, नहीं जाओगे? शाल ले लेंगे वापस। इनके लिए वो एक कथा नजर है। ओनली टू मिनट्स। ये जो कहना चाहते हैं इकबाल मियां कि तुम गजल हो, गजल सुनाऊं क्या, चांद को चांदनी दिखाऊं क्या, खूबसूरत बहुत हो मान लिया, बीवी बच्चों को भूल जाऊं क्या। इनका पैगाम आ गया वहाँ से। बहरहाल दो मिनट, चिराग जयपुरी साहब मरहूम, उनकी लिखा ये नगमा मुलाजा हो हमारे सबसे पहले एल्बम गुलदस्ता में। बाबा वाह, फैलाव की जगह हम इनकी वजह से
सीधी सीधी गा के उड़ जाते हैं। कतार्थ है, क्या बात है। उससे बिछड़े हुए वो एक जमाना बीता, उससे बिछड़े हुए वो एक जमाना बीता, लेकिन इस बात से तकलीफ मुझे होती है, कर गई जिसके लिए तर्क ताल्लुक मुझसे, पा लिया उसको तो अब मेरे लिए रोती है। लास्ट ईयर हमारी गोल्डन जुबली जन्म हुई थी और वसीम बरेली साहब आए थे, उन्होंने दुआओं के साथ ये शेर हमें दिया था और ये कहा था कि जिस तरह इन फनकारों ने फनकारों में और मौसीकारों से लेके शौराए किराम और सामाईन के बीच में जगह बनाई आज के म्यूज़िक के दौर को देखते हुए मुलायदा हो। हमको महसूस किया जा खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं जो सुनाई देंगे। अस्थाई अंतरावास जब दूर चला जाऊंगा, ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जब दूर दूर चला जाऊंगा, याद रखना कि तुझे याद बहुत जा
याद लेते हैं सब बखैर खुदा हाफिज़ फिर मिलेंगे जरा नवाजी लेडीज एंड जेंट्स जोरदार थालियां फॉर अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन प्लीज दिल्ली थैंक यू सर टुमारो वी गॉट the same evening of Sabrang and people who are the lovers of Kathak on the 10th of this this month we have a performance by Mukesh Gugnani and Durgesh Gugnani ji Kathak performance by Vishal Krishna and we have a concluding solo performance by Deepak Maharaj and this event is dedicated to Pandit Ashran Maharaj we are all thankful to all of you for coming here and being a part of Sabrang thank you this is Ali Hader signing off from now and we are thankful for the team and all you people for coming up here thank you